बिहार शिक्षक भर्ती की तरफ से बीएड धारकों के लिए एक नोटिस जारी हुआ है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप लोग जानने वाले हैं क्या आप लोग पेपर देने जा पाएंगे या फिर नहीं, या फिर नोटिस में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को दबा करके आल पर करिए। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग अपनी स्क्रीन पर नोटिस देख लीजिए। ये 19 तारीख को नोटिस जारी हुआ था, यहाँ पर आप सिग्नेचर के पास डेट देख सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। आवश्यक सूचना, विज्ञापन संख्या 26/2023, अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। तो मैं आपको ऊपर के 2-3 पॉइंट छोड़ देता हूँ, उसके बाद मेन पॉइंट आपको बताता हूँ कि इसमें आप लोगों के लिए क्या कहा गया है, आप लोग पेपर दे पाएंगे या फिर पेपर से बाहर कर दिए गए हैं। तो शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मानता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष समतुलता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इसमें बताया जा रहा है कि आप लोगों के लिए जो भी निर्णय लिया जाएगा NCTE के माध्यम से लिया जाएगा। जो निर्णय लेगा, अगर आपको बाहर करेगा तो आप लोग बाहर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को नियुक्ति देना चाहता है NCTE तो आप लोग नियुक्ति पा जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ये कुछ नोटिस दिया गया है, उक्त परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति के उपरांत प्रयुक्त OMR सीट की सीलिंग परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के समकक्ष ही की जानी है। भविष्य में यदि उनका OMR सीट अनुपलब्ध पाया जाता है तो इसकी जवाबदेही अभ्यर्थी की होगी तथा ये कदाचार की श्रेणी में माना जाएगा। अतः सभी अभ्यर्थी OMR सीट सीलिंग के पश्चात ही कष्ट छोड़कर निकले। इसमें बताया जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने आए हैं उनका सीलिंग उनके सामने किया जाएगा OMR सीट का, तो सीलिंग होने के बाद ही क्लास से बाहर निकले। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से की जाएगी। अतः सीटेट बीएड पेयरिंग अभ्यर्थी का परीक्षा फल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए अथवा उन्हें इसके अभाव में अयोग्य माना जाएगा। आप लोग बीएड वाले पेपर देने जा सकते हैं, पेपर देने में आपको कोई रोक नहीं लगाई गई है। बाकी जो निर्णय होगा वो NCTE लेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को दबा करके आल पर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट और BEd BTC विवाद से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।